प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। लगभग 300 किलोमीटर लंबा ये 4-लेन एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों को जोड़ेगा और इसके आसपास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यह हाईवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है और ये हाईवे बुंदेलखंड रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड इलाके के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि हमारे मध्य भारत में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में एक इलाका पड़ता है। ये मेरी मातृभूमि भी है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं और साल दर साल सूखे की समस्या से जूझते रहते हैं। इनफैक्ट जो आसपास की बड़ी सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, भोपाल, यहाँ के जो वर्कफोर्स होता है वो ज्यादातर बुंदेलखंड रीजन से ही माइग्रेट करके आता है और इस एक्सप्रेसवे से इस रीजन को काफी फायदा होगा।